Assalamu alaikum and welcome to your show. Main hu aapka host Hasan Shahryar Yasin. Aapki raaye mere liye bahut zaruri hai. Jab bhi main koi show kar raha hota hu, season shuru karne se pehle, episode karne se pehle main zarur poochta hu. Agar Facebook pe nahi, Twitter pe nahi, to hamare Facebook page pe Tonight with HSY pe hum zarur poochte hain, who do you want to see? कौन सी जोड़ी किन लोगों को मिलना चाहते हैं? आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नाम देते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सबको बुलाएं, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि दो लोग जिनको आपने इकट्ठा कहा हो वो इकट्ठे हमारे शो पे आ जाएं. ऑब्वियसली सबके स्केड्यूल्स फर्क फर्क होते हैं, मगर हमने कोशिश की एंड देयर हियर. दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, अमेजिंग एक्टर्स, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मिलाने लगा हूं आपको उनसे, जानिएगा मेरे साथ. मैं उनको इतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, मगर आई होप दैट आज मैं उनको अच्छी तरह जान जाऊंगा और आप मेरे साथ उनको जानेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर राइट हियर एंड दे आर राइट हियर ऑन डी ज्यूस प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY. Welcome back. मेरे पहले गेस्ट जो हैं, he is multi-talented. एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं. Whatever he does it incredibly well. मैंने जब उनको पहली दफा देखा था तो वो ऑनलाइन वो पैरोडीज करते थे and I thought he was hilarious. Hilarious. But वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और ना वो सिर्फ एक बहुत अच्छा एक्टर और उसका दिमाग बहुत तेज है. मैं जब उससे बातें कर रहा था मुझे लगा कि उसके अंदर और बहुत डिफरेंट साइड्स भी हैं. मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, व्हाट मेक्स हिम टिक एंड व्हाट मेक्स हिम द स्टार दैट ही इज. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव द वन एंड ओनली उस्मान खालिद बार. वेलकम टू द शो. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. अब तुम्हें मैं उस्मान को या तुम्हारे दोस्त में ओबी भी कहते हैं, घर में तुम्हें मीनू कहते हैं? मीनू कहते हैं, बिल्कुल. तो क्या क्या इस शो पे हम लोग किस तरह आगे बढ़े, तुम्हें क्या कहें? बिकॉज देखो, फॉरगेट मी, लोग भी जानना चाहेंगे तुम्हें सबसे ज्यादा नाम कौन सा पसंद है. ओबी प्रॉब्ली. ओबी. ओबी. ऑल योर फ्रेंड्स कॉल यू ओबी. रबिया चौधरी से मेरी बात हुई थी, वो कहती ओबी वो जो हैं वो शी स्पीक्स टू यू स्पीक्स अबाउट यू जैसे कि यू नो यू आर दिस बिग ओल्डर गाय हु शी रिस्पेक्ट्स वेरी मच. ये करियर में हर दफा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बस ये है कि ओबी बोल रही थी मेरे साथ. हाँ हाँ हाँ, वो तो उसके मेरे बारे में तो ये रूमर्स हैं कि हम फर्स्ट कजिन्स हैं अपेरेंटली. तुम्हारे घर पे भी तो आके रहती है वो. बिल्कुल बिल्कुल. सो ओबी, यू आर वेरी क्लोज टू योर सिस्टर. अपनी उनको ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते, ऑब्वियसली हर बंदा अपनी बहन को तो रिस्पेक्ट करता है, बट यू लुक अप टू हर. वो किस तरह का रिलेशनशिप है? एक्चुअली बचपन से ही मेरा मेरी बहन और भाई हम तीनों का ही बहुत ही क्लोज बॉन्ड रहा है. द रीजन व्हाई आई एम extremely fond and of my sister is that when I was a child wo mujhe chhat pe lekar jati thi. She used to tell me to look at the stars. Achha. And she used to tell me ke ab kahani buno. Wow. Craft stories. तो वहां से आई बिलीव के मेरी जितनी भी क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई स्पेशली इन राइटिंग, तो वो उधर से यू नो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड रियली. सो दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी. तो क्या कहते हैं, बाकी है कि शी इज माई मेंटोर, शी इज माई गाइड, शी इज आफ्टर माई मॉम्स पासिंग शी इज माई you know my mom everything so there's such respect and such love for her. Aur wo kis tarah supportive hai tumhare aapke career ke bare mein? Obviously bilkul bilkul bilkul. Haan. Dono bhai aur behan magar shuru us tarah nahi hua hai, shuru to engineering se shuru hua. Bilkul bilkul. Haan, yes. Fast haan ji, fast telecom engineering. Telecom engineering karne gaye magar beech mein chhod di. Haan haan haan. Nahi darasal jab maine ek to masla jo Pakistan mein hai with the youth especially is that we have no guidance counselors. Haan. We have nobody jo hame bata sakta hai ki acha aapka aptitude is cheez ke liye, is cheez ke liye nahi hai. Haan. Ab mera arts ka aptitude tha but my father wanted me to be an engineer. तो वालिद साहब खुद भी टीवी में, मगर he's a big TV personality. Yes, but वो sort of he was like no. Absolutely not. मैं बिल्कुल different mindset के साथ गया कि मैं जो NCA जाऊंगा, मैं वहां से टेलीविजन थिएटर सीखूंगा. इवेंचुअली जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा बेटा देखो फास्ट नस्ट यूईटी जीआईके ये यूनिवर्सिटीज हैं. चार थे, ये चार यूनिवर्सिटी, एक और थी बट वो क्या कहते हैं आई फॉरगेट. तो मैंने सबके इन अ मैड रश क्या कहते हैं इंटरव्यूज दिए, सब कुछ किया और फिर फाइनली फास्ट में मैं आ गया टेलीकॉम इंजीनियर में. तो चार सेमेस्टर गुजारे मैंने
semester tumne guzar le yaar. Ji ji, meri walida ki wajah se actually meri mathematics bahut strong hai. Acha. She had a great aptitude for it. She was a genius as far as math is concerned. I want to come back to your mother. Your mother passed away. Ji. Bahut close se apni ammi ke saath. French thi wo. Ji. Ye tumhare ek wo moment tha jisse zindagi pe tumhari badli. Do you think that this changed the way you thought about life? Definitely. Wow, that's such a loaded question. Kya kehte hai? It did. Automatically, ek maturity aa gayi. Started thinking about life from a very different perspective. Main bahut carefree hota tha. Theater karta tha main us zamane mein. Uske baad phir zara, ehsaas hua ke, I need to get my act together. Focus, yes, definitely. And focus you did. Some Like It Hot, tumne play kiya. Ji, ji, ji. Islamabad mein. Bilkul, bilkul. कोई तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था हाँ जी नहीं ना तुम्हें कोई पैसे देने के लिए तुम्हारे भाई ने स्पॉन्सर किया बिल्कुल बिल्कुल भाई बहन ने लोन्स लिए इस तरह हमने स्टार्ट किया बिकॉज हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कम व्हाट में प्ले तो करना ही है डेफिनेटली माशाल्लाह बहुत बड़ा कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस था वो प्ले और तब एक कॉन्फिडेंस आया कि आई डेफिनेटली वांट टू गेट इनटू डायरेक्शन मोर देन एक्टिंग एक्चुअली तो फिर डायरेक्ट करता गया थिएटर प्लेज और अब इंशाल्लाह अनकरीब फिल्म भी डायरेक्ट करने का ये मैंने सुना है आई कैन अंडरस्टैंड थिएटर का पैशन जो होता है बिकॉज़ उस वक्त जो आपको यू फीड ऑफ दैट एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल बट दैट अ पैशन आई अंडरस्टैंड व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड जो मैं तुम्हारे बारे में जब भी पढ़ा है तुम्हारे बारे में कि वो तो एक हुआ एक परफॉर्मेंस पोएट्री भी लिखते थे जी जी 10 साल की उम्र से तुम पोएट्री लिख रहे हो 12 साल की उम्र में यू केम यू वर इनवाइटेड टू वाशिंगटन डीसी बिल्कुल के तुम जाके कोई अवार्ड जीतो बिल्कुल ये पोएट्री इतनी हटके चीज है फ्रॉम थिएटर इट्स सच एन एक्सप्रेसिव मीडियम ये किस तरह हुआ कि तुम पोएट्री में इंटरेस्टेड हुए सितारों की वजह से हां सितारों की वजह से शायद और इसकी वजह से भी कि लाइक आई वाज द क्वाइट नर्ड क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था सब लोग बोलते थे कि ये क्या चिट्टी सी चीज आई हुई है तो मेरा उसके बड़े फायदे भी हैं पाकिस्तान है तो सही अब जाकर तो काफी फायदे बट बैक देन जब बहुत लैंकी सा बहुत पतला सा बेसिकली तिनका कहलाता था मैं मुझे कहलाया जाता था तो एंड I found it very hard to communicate with my peers and it was a struggle actually going to school to I suppose jitni bhi bottled up emotions aapke hote hain jab aapke paas wo express karne ke liye aapke peers aapke dost wagera nahi hote to I used to express it in writing actually jab maine theater karna shuru kiya usne meri poetry ko kafi influence bhi kiya tha my poetry suddenly became very dark and very twisted are you dark and twisted I am I'm a dark person generally. Aquarian हो हाँ Aquarian हो जी जी Aquarian बड़े moody होते हैं बहुत moody होते हैं बड़े introspective होते हैं अंदर बड़ा सोचते हैं हाँ जी जी सुना है कि तुम जब किसी चीज़ पे सोचने आओ तो अपने आप को दरवाजे में बंद करके कोई अगर चाहे दिनों दिन घंटों घंटों knock करता रहे तुम बाहर नहीं आओगे नहीं नहीं ये खुद से तुम क्या सोचते हो बस मैं हमेशा कहता हूँ that I live vicariously through my own daydreams. मेरे दिमाग में there's another version of me. And talk me through एक moment दरवाजा तुमने बंद किया सब बाहर खड़का रहे हैं तुम अंदर क्या कर रहे हो तुम खड़े हुए हो तुम circles मैं circles में I walk in circles अच्छा writer poet magazine character भी हो जी director भी हो actor भी हो लोगों के खिचड़ी हूँ बस मैं basically in a nutshell खिचड़ी से मुझे आया था खाने के भी बड़े शौकीन हो मगर बड़ा सिर्फ फ्रेश फूड खाते हो इसका मतलब क्या होता है सर जिससे भी मैं पूछा कीजिए वो किस खाना इतने सिर्फ फ्रेश फूड खाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेश फूड आई डोंट नो आई जस्ट डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट ओवर्स अच्छा और उनको गर्म करके माइक्रोवेव करना कभी भी नहीं Like obviously होता है क्या जो तुम्हारे लिए जो मैंने जो चाय अगर मैं बनाऊंगा तो उसको मैं कभी माइक्रोवेव ना नहीं 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 इतना आई एम नॉट दैट ओसीडी अबाउट इट बट ये के फ्रेश खाना होता है भाई अच्छा एक जो मैंने बड़े मजे की तुम्हारे बारे में बात सुनी कि तुम डांस भी बहुत अच्छा करते हो और इतना अच्छा डांस करते हो कि बहुत से लोग जो हैं बहुत से तुम्हारे दोस्त जो हैं वो कोशिश करते हैं कि तुम्हें किसी तरह कन्विंस कर लें कि उनकी मेहंदियों पे भी उनकी जरूर मदद करो मेहंदी मैन हूं कोरियोग्राफर भी हो जी जी तो यार ये तो बहुत मजे की खिचड़ी है हाँ जी ये तो है पहली चीज बिफोर एक्टिंग बिफोर एनीथिंग एल्स इट वाज डांस मिस्टर मेहंदी मैं तुम्हारा आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसमें तुम्हारी जो को स्टार है शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल मगर हमें बहुत से लोग पूछना
पूछते रहते हैं कि जी ये इनकी जो इतनी केमिस्ट्री है वो क्या एक सच्ची केमिस्ट्री है. इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी मैं उनको आज अपने शो पे भी बुलाना चाहूंगा. वो एक हसीन एक्ट्रेस हैं बट मोर देन दैट यू हैव दिस केमिस्ट्री विच मैं अपने इस पे सेट पे लेके आना चाहूंगा. विल यू प्लीज लेट मी लेडीज एंड जेंटलमैन शी हैज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया. शी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इनक्रेडिबली एलिगेंट. अभी मैं उनको ग्रीन रूम में देख रहा था एंड आई वाज ब्लोन अवे. आई एम सुपर एक्साइटेड दैट शी इज हियर. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माया अली. ये था ऑकवर्ड हैंडशेक क्या था है? मैं तुमसे गले मिलना चाह रही थी तुम मिले नहीं मुझसे. नहीं नहीं तो सुपरस्टार मेरे पहले तो ऑकवर्ड था कि तुम उसकी कुर्सी तुमने कहा छोड़ूं ना छोड़ूं छोड़े क्या करूं. सुन रही थी मैं तुम्हारी बातें सारी. मरियम को माया को क्या कहूं. मरियम मरियम इज एक्चुअली माय ओरिजिनल नेम. मुझे मतलब नाम मेरा मरियम है नेक मेरा माया है. मैंने ये बात नहीं छिपाई हुई तो मैं सुन रही थी कि मरियम से बुलाओ माया से बुलाओ कुछ भी कह सकते हैं. तुमने मैं क्या कहूं. माया माया आई लाइक माया. मरियम भी अच्छा नाम है. बहुत प्यारा नाम है. एक अजीब एहसास. हाँ जो हवा का झोंका. हाँ हवा का झोंका. क्वीन क्वीन मैरी में जी जी एग्जैक्टली. लाहौर लाहौरी हो. पक्की. खाने पीने का शौक है. बड़ा ही शौक है. फिर से खा लेते हो वार्म हीट करके. कजिया तो सिर्फ फ्रेश फूड. इनके तो नखरे ही बहुत है ना. बहुत नखरीले हमारे ये ओबी जो है बहुत नखरे. मेरे अंदर कोई ऐसा नखरा नहीं है. लेकिन ये कि डाइट की वजह से मुझे नहीं खाना होता वही सब कुछ जो मुझे पसंद है. या क्या पसंद है. बहुत कुछ जो आता है खाने में. ये जो आता है खाने में ये सेट पे तमाशे करती है. अच्छा खाना नहीं आया मेरा मैं शूट नहीं करूंगी. दो घंटे लेट हो गया खाना मेरा. डैनोज मंगाया फॉरन. डीवा है जालस. पोल तुम खोल रही हो या पोल मैं खोलूं. शुरू हो गए आप. अभी से रुक जाएं आप जरा जी. ये ऐसे करते शुरू मेरे साथ हमेशा ये. बगर तुमने इनके साथ ऐसे किया जब कोई सीन हो रहा था हॉर्सेस थे घोड़ों से बड़ा तुम्हें डर रहा है. वो सीन हो रहा था घोड़े चल रहे थे तो घोड़ों पे तुमने बर्तन कितनी दफा टेक्स की फिर आखिरकार जाके. एक्चुअली घोड़े की दोस्ती ओबी से बहुत ज्यादा तो मैं जैसे उठ चढ़ने लगती थी घोड़ा टांग मारता था. टांग तुम्हें मारता था. नहीं मारता तो पीछे था. मैं यहाँ से ट्राई करती थी अब मैं चढ़ जाऊं. लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि मैं बस इनफ ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो भी तुम्हें संभालो इसको. और तुमने पर संभाल लिया. हाँ जी ऐसा संभाला. मगर तुम्हें मैं सोच रहा कि तुम्हें घोड़ों का और ऐसी चीजों का एक्टिव होने का बड़ा शौक था. तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा शौक था. मुझे बड़े अवार्ड्स हैं आपके पास. जब मैं स्कूल लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में थी लेकिन उसके बाद घोड़ा मैंने कभी नहीं चलाया. स्पोर्ट्स कौन सी खेलती थी. वॉलीबॉल नेटबॉल बास्केटबॉल बैडमिंटन. इतनी ज्यादा. हाँ मुझे फैमिली में बाकी भी है. कोई भी नहीं है सीरियसली. बाबा तो हमेशा से संगेज ना कि क्यों क्या मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूँ और तुम जाके यहाँ पे बैडमिंटन खेलने लग जाती हो. ये बकर ये बहुत अच्छी चीज होगी तुम्हारे इस करियर में बिकॉज यू हैव पूरी रातें पता नहीं जागना पड़ता है पता नहीं कब कब तक तुम लोग शूट करते रहते हो. एग्जैक्टली ये एग्जॉस्टिंग काम है. और लोग समझते हैं कि एक्टिंग करना बड़ा आसान काम है खूबसूरत हूँ आराम से बोलने वो नहीं जानते. मैं प्लीज रिव्यूअर्स को तो ये बात जरूर कहूंगी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है. सख्त सर्दी में हमें लॉन का स्टफ पहनना होता है और सख्त गर्मी हमें स्वेटर्स पहन के कभी शूट करना होता है तो प्लीज आप एक घंटे के लिए एपिसोड देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लड़की तो एक्टिंग कर ही नहीं सकती. ये लड़का तो कर ही नहीं सकता एक्टिंग. बहुत दिल से बात. बहुत दिल से बात. क्रिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है. तुम लोग क्या समझते हो जब तुम्हारे बारे में कोई क्रिटिसाइज करता है प्ले के बारे में करता है कैसा लगता है. जी माया फरमाइए. हां माया बताइए जी. ऐसा है कि लास्ट एपिसोड के बाद से तो वली जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं. मैं तो यही बोलूंगी कि प्लीज इससे ज्यादा मैं क्या एक्टिंग करूं इससे ज्यादा. एक्चुअली बेचारी ने इन दयारे दिल इन द ड्रामा दैट ही डिड उसने बेचारी नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह इसने पूरी अपनी एक्टिंग की शो रील बना दी ऑफ क्राइंग. लाइक इन 7 to 8 एपिसोड्स माया मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं कि राइटर ने इतना मुझे रुलाया और डायरेक्टर ने इतना अच्छा डायरेक्ट करवाया. मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपने ऑडियंसेस को भी उतना ही रुलाया. मगर वो भी आप ये कह नहीं सकते बिकॉज ये आपको पता है घर पे बचपन पे शीशे के आगे खड़े होके एक्टिंग किया करती थी. खड़े होके खुद कहती थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ. हाँ ये था ये ना. और आप तो दरवाजा बंद करके सर्कल में घूमते थे. दरवाजा बंद करके डांस करती थी. इनको बहुत शौक था कि दरवाजा बंद करें और कमरे में डांस करती रहती थी और पूरी अपनी प्रैक्टिस करती थी कि जब मैं मूवी या शो करूंगी तो ऐसी लगूंगी. बिल्कुल ये ऐसा ही है कि मुझे शुरू से ही कीड़ा जो होता है एक्टिंग का मुझे था. और माधुरी
देवी की फिल्म देख के कहना ओह अच्छा चने के खेत में फौरन से करना दुपट्टे की साड़ी बांध के हाँ जैसे बाबा ने आना फौरन से बैठ जाना जी जी बाबा जी जी मामा जी तो ये शुरू से था मेरे अंदर. जब आपने शुरू किया आपका लिस्प था आपकी स्पीच और बड़ी आपको क्रिटिसाइज किया गया शुरू में कि आपकी आवाज जो है आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगी नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगी. आपने उसको ओवरकम किया किस तरह? शेरू थोड़ा सा मैंने किया ज्यादा नहीं किया लेकिन अभी मुझे कंट्रोल करना आ गया. कुछ ऐसा डायलॉग जिस तरह अभी मैं सिस किया अगर ये पूरा मुझे बोलना पड़ेगा सर 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 हो जाएगा. मैं थंडर थाइज नहीं कहता थंडर थाइज थंडर मैं कह नहीं सकता. तो उसको ब्रेक करना कि किस तरह से आप सांस ले रहे हैं और उसमें किस तरह बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा मैनेज करना सीख लिया मैंने. पहली दफा जब आप इनसे मिली थी तो आपको ये सेट पे नजर आए थे आपने कहा था कि मैं इसके साथ एक्टिंग करूंगी. अपेरेंटली ये लिबास उन्होंने कोई मूंछें शूंछें लगाई हुई थी ऐसा कुछ था कुछ ऐसा था मुझे बताओ. डायरेक्टर से बड़ी नाराज थी कि आपने कहा था नहीं डायरेक्टर से बिल्कुल नाराज नहीं थी. मैं काफी दिन से मैं शूट कर रही थी मैंने कहा कौन है कौन मायर बन रहे प्रिंस मायर. और एक दिन एक लड़का दुबला पतला सा फुल बाल ऐसे बने चिकना गोरा और पूरा काज मतलब आंख से बड़ा तो काजल लगा हुआ ना और पूरे उसमें ये चक्कर मार रहा चक्कर और पता नहीं क्या. मैं कह रही अच्छा ये मेरे भाई साथ बैठे हुए थे इनके. अच्छा कहती हैं ये अच्छा उनको कहा It's like, you know, the whole face. Haan. Like, you know, that disappointment, that crushing disappointment yeah. that you have. Haan. That kahan main, like, Fawad, Mikal ke sapne dekh rahi thi. Hamza Abbasi ke sapne dekhti thi ye to. Hamza Abbasi tab umang lassi mein thi. So itna. Lekin ye ke, aisa maine kuch nahi kaha tha chha drama. तो मैंने देखा और कहा अच्छा चलो ठीक है. फिर फर्स्ट इनका मेरा सीन भी इतना रोमांटिक ये मुझे फूल अंगूठी बना रहे और मैं कह रही हूँ अच्छा काजल इनका क्या है ये क्यों है. सेल्फी क्वीन हो बहुत शौक है सेल्फीज लेने का बहुत ज्यादा. अभी आते हुए भी शो में ये इधर से कभी ये कभी मतलब 10 पिक्चर्स लेती हूँ तब जाके लोगों को डायरेक्ट भी करती हैं. तो होता है ना दैट यू जस्ट टेक द पिक्चर एंड यू आर डन विद इट बट शी इज लाइक ये क्या है ये तो अच्छी तस्वीर नहीं है मेरा पोज नहीं अच्छा आ रहा मेरा शैडो आ रहा है. यू लाइक अच्छा मिलीमीटर गिने जाते हैं कि कहाँ ये बात है ना तो मैं आपको बताती हूँ. ये एक अदर जो मेरे साथ एक लड़का बैठा है मेरी सेल्फीज की प्रॉब्लम है शूट पे बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है क्या सीन दिया हमने. एक लड़का जाके मुझे सिर्फ प्लीज मॉनिटर दिखाइएगा मैं अपना मुझे लगता है अच्छा कितना अच्छा अपना सोलो देखेगा क्या एक्टिंग किया एकदम मेकअप हमारी मेकअप आर्टिस्ट सुमैया मेरे बाल देखे आपने ये क्या अभी तुम बाल देख रहे थे तो और क्या ये क्या नहीं देखिए जनरली लाइक आई डोंट बट जब आप इस तरह का रोल कर रहे होते हैं ना जिसमें फिजिकलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. आई मीन वली जो एक कैरेक्टर है उसमें इट्स नॉट जस्ट द एक्टिंग इट्स ऑल्सो द फिजिकलिटी ही इज अ ट्रेडिशनल हीरो तो वो फिर जरा जब यूं करके बाल निकले हुए होते हैं तो आपको जरा होता है कि यार. और माशाल्लाह आप क्रिटिक्स की बात कर रहे थे ना हमारे क्रिटिक्स भी तो ऐसे होते हैं ना ये पीले रंग का सलवार क्यों पहना हुआ है इस दुपट्टे के साथ ये क्यों हुआ भाई अच्छा ये आंखों में काजल क्यों है वो एक मैंने प्ले कर दिया जिसमें मेरा काजल था वो मेरे तीन दिन के लिए लगा था मेरे हर प्ले में कहते हैं आपने तो काजल लगाया आप तो मेकअप लगाते हैं. मैंने कहा भाई मैं गोरा हूं मैं क्या कर सकता हूं नहीं आप तो बेस थोप मतलब बेसिकली तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम गोरे हो. यस बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं नॉट एनी प्रोडक्ट्स. और मैं ये बताता चलूं कि अगर कोई प्रोडक्ट्स अगर कोई देना चाहेंगे तो उनको प्लीज देना क्योंकि एक नहीं तुमने मुझे दो दफा बताया कि वो गोरे हैं. एक दफा मैंने कहा चिकना बच्चा कौन बैठा है पीछे और एक दफा आप गोरे हैं ना चिकना मैंने नहीं कहा जी आपने क्या आप गोरे हैं ना नहीं क्या मैं गोरा हूं जब आपने स्टार्ट किया तो आपको इन जैसे इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिकॉज ये इनको चाहते कि पढ़ें आपके अबू ने और आपके फादर साइड ऑफ फैमिली को इतने ज्यादा सपोर्ट नहीं थे. किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे मैं बस अचानक से आई और बाबा तो बहुत नाराज थे काफी टाइम तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की. लिटरली अभी भी कभी ऐसा होता है कि मैं डर डर के बात कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा मेरी अम्मा और बाबा के साथ एक फ्रेंडली जो एक होता है आपका रिलेशनशिप वो नहीं था. बहुत टाइम बाद बना पहले तो ये था कि बस मास्टर्स करना है स्टडीज कंप्लीट करनी फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी. शादी तो वो अभी भी करवाना चाह रही हैं. अभी भी जब मेरी बात हुई थी वो अभी भी कह रही थी कि मैंने शादी करवाना चाह रही हूँ शादी करवाना चाह रही हूँ मगर उसने कहा कि मैंने भी शादी क्यों नहीं है मेरी शादी करनी है.
उससे मुझे याद आया, शादी से याद आया कि क्या आप दोनों के बारे में जो मैं सुनता हूँ कि प्ले की इतनी अच्छी जो रिलेशनशिप है, क्या ये शादी के कोई इरादे हैं? यहाँ आप अगर जो हमारे बारे में सुनते हैं तो हमारी शादी भी हो चुकी हुई है, हमारे दो बच्चे भी हैं माशाल्लाह गोरे से। मुझे एक आर्टिकल का आया द लाइफ स्टोरी ऑफ उस्मान खालिद बट, और उसमें एक आया हुआ था ही इज नाउ मैरिड विद टू किड्स विद माय अली। अच्छा, कहाँ है ये बच्चे? दो बच्चे भी हो गए, दैट्स नॉट फेयर। दो इतनी जल्दी, ये तो नहीं कहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं करियर है तुम्हारा, तुम्हारे से क्या मतलब है, तुम अपनी बात ही करो। शरारती हो बहुत, घंटियां बजा के भाग जाती थी। जी बिल्कुल, अभी तुम शरारती हो? मैं सेट पे थोड़ा बहुत। हाँ, आप सेट पे क्या करते हैं? हम लोग अगर जब सीन कर रहे होते हैं, नॉट इन जा रहे थे नॉन जा रहा, मैं सीन की रिहर्सल कर रही, एक लड़का आके एक गाना उन दिनों आया था अग्गा भाई हल्ला मचाए रहे, और एक लड़का सेट पे लेटा हुआ है सिर ऐसे करके, और एक ठुमका बाहर निकला हुआ है अग्गा भाई हल्ला मचा। And I always used to do this when she was upset. It was like, हाँ ये भी आप जरा बोले ना, तो आप तो बिल्कुल ऐसे कह रही हैं जैसे मैं क्रेडिट लूंगा। तो दोस्ती आपने अवार्ड्स तो बनाए, ऑस्कर्स बनाए ना? नहीं पता क्या ऑस्कर्स के, 12 साल की उम्र में उनको वाशिंगटन डीसी बुला लिया गया। हाउ स्वीट। तो ये तो शुरू से he is used to winning, और I think you like to win as well. मगर कौन जीतेगा और कौन हारेगा इन आर नेक्स्ट गेम राउंड, ये तो मैं बाद में पता चलेगा। शी इज अ लियो, ही इज एन एक्वेरियस, इनको जीतने का शौक है, ये इनको जीतने की आदत है। अब कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, वी विल फाइंड आउट राइट हियर। कीप वॉचिंग बिकॉज दिस इज डी ज्यूस प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY। Ladies and gentlemen, welcome back after the break. हम बातें कर रहे हैं to Obi and Maya. यार हम लोग आपके साथ गेम्स खेलेंगे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं, दे वॉच बिकॉज आपको ऑब्वियसली उतना पसंद करते हैं, मगर हम उनको भी बड़ा पसंद करते हैं, तो हमने भी एक कोई छोटी सी चीज की है। दे हैव टू लिसन टू द आंसर दैट यू गिव एंड द आंसर हैज टू बी इंटरेस्टिंग। हमारे द वर्ल्ड ऑफ HSY.com पे हम एक सवाल पूछते हैं, हैशटैग। अगर आपकी जिंदगी पे आपकी किसी तस्वीर के नीचे कोई हैशटैग लगाया जाए तो आपका हैशटैग क्या होगा? हैशटैग Hashtag Chitti Bandri. Yeah. That's my favorite hashtag of all time. For you? Yeah. Hashtag Chitti Bandri. Chitti Bandri. Yes. Hashtag Chitti Bandri. Or aapka hashtag overactor. Overactor? Yes. Acha, yaar, listen, we have some competitive rounds because main janta hu tum bade competitive ho, board games bade khelte ho. Ji, ji, ji. So, what's your favorite board game? Kaun si hai? Currently, Ticket to Ride. Hamara ek bahut acha ek mazak round hai. It's our djuice hamper. Ye hamara djuice hamper pada hua hai. One of you has to win. सिंपल सा राउंड है, आपके आगे कुछ नंबर्स होंगे, वो शफल किए जाएंगे, शफल करने के बाद आप उनको एक नंबर सेलेक्ट करेंगे और जो आपको बताया जाएगा यू हैव टू डू दैट। दो इनके लिए होंगे और दो आपके लिए होंगे। उस्मान, विल गो विद यू फर्स्ट। कैन वी प्लीज शफल द नंबर्स फॉर ओबी? नंबर नाइन Guess the movie from this video clip. अब आपको video clip दिखाई जाएगी और आपने movie को guess करना है. And you have 5 seconds starting when the movie starts. Go. मैं ललिता कृष्णन सेंट्रल लंदन की धूप सेक रही हूँ। बाबा अली जफर बताता। God pinch me. Oh my God. Love life क्या नहीं क्या इस movie का नाम? Oh my God, I reviewed music for this. Ta-da. London, Paris, New York. London, Paris, New York. Actually, you're absolutely right. Nick of time. यार तूने movie review किया तो मैं नाम ही नहीं आया। Music review किया था। अच्छा movie, music अच्छा लगा था? अच्छा था लगा था। अली जफर ने किया था। हाँ नहीं बिल्कुल ज़हन से निकल गया। London, Paris, New York is absolutely right. एक और। Woohoo! Very good. Yes, no, एक और है जी, एक और। But एक तो हो गया। Late किया है। नहीं। Nick of time. 5, 4, 3, 2, 1. कह रहा था तो उसने कह दिया। तो I have to give it to him. One more, team. Shuffle numbers, please. Number 3. Name 5 celebrities that are in this picture. अब तुम्हें तस्वीर दिखाई जाएगी for just a few seconds. तो तुम्हें 5 celebrities pick करने पड़ेंगे and show the picture now. शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, मिसबा, पीछे कौन है ये लोग? मैं सारी क्रिकेट टीम के नाम ना ले लूं? दो तो क्लियर है बताओ ना।
One out of two. But now you have to get both to win. And if you get one, then I'm like tiebreaker. Hoga. Take it, shuffle the numbers for Maya Ali, please. Haan, Seven. दीपिका की आवाज में उस्मान को आप प्रपोज करें। हाँ जी, ये तो एक्टिंग का। दीपिका की आवाज इस टाइम तो रानी मुखर्जी की बनी हुई है। ये तो अब तुम सोचो कि मिरर है, कमरे में हो, दरवाजा बंद है, एंड गो। जी जी जी। ओह माय गॉड। 5 सेकंड नहीं है। हाँ 5 सेकंड जी गो। अब्बा अगर तुमको बुलाए तो उसे हाँ कह देना। ओके, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तालियां तालियां, नॉट बैड यार। वन यू हैव, यू हैव टू गेट वन मोर। ओके ओके, एंड शफल द नंबर्स प्लीज। वन। आपको तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको ये जगह गेस करनी पड़ेगी। रेडी एंड गो। बड़ी फेमस जगह है, बड़ी आराम से आप गेस कर सकोगे। शंग्रीला? नो। यस कर दू? नहीं, क्या है, क्या ये? इट्स अ लेक आई थिंक। हाँ तो क्या? सफल मलुक झील। अच्छा गेस करो, एक वर्ड। झील 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 झील। ये तो झील। अभी कहा तुमने झील जी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। झील सैफुल मलूक। मैंने बोला नहीं, आपने सैफुल मलूक तो मैं कहना नहीं आ रहा था, तुम्हें याद नहीं आ रहा था मलूक है या ममून है। आई सेड इट ऑनेस्टली। नो आई डिड, आई सेड No, it's wrong. I said, देखो उल्वा मत बनो। नहीं, मुझे लगा आप कह रहे हो जी। I just saw the show before that particular show. Did you see that show? That cover, by the way. लेकिन नहीं, मैंने बोला, मुझे लगा आप कह रहे नहीं, ये नहीं है, कुछ और। मैं प्रोड्यूसर से पूछ जाऊंगा जी, बताएं जी। हाँ, वो कह दिया। Yes, congratulations, very. Bravo, our first prize of our djuice hamper is yours. It's a fantastic phone. Abhi, you can kaisa acha lag raha hai na? Dekh to lun. It's a selfie moment. Selfie moment, ye to bahut acha selfie moment hai. As you the dude. Cricket. Nahi yaar. Peaky Khichdi. Stars. Good one. Good one. Oh, did you say Peaky Khichdi? Yes. Peaky Khichdi. Uh-huh. Okay, that doesn't matter. We have another one. Yeah, they think that our furniture was very good. Yes. Yes. You have a table too. Yes, it was very good. Well, anyway, this is our contradiction ka furniture. And they have a fantastic round. 50,000 rupees ka gift voucher aapko milega. Agar aap ye do rounds honge, jiske aapne mujhe sahi jawab dene aur tez jawab dene. Sabse pehle kya hoga? Toh aapne complete the sentence karna. You'll go first. No. Are you ready? Well, और आपने मुझे बहुत जल्दी सोचना नहीं है। सोची प्या तो बंदा गया। ओके ओके, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। झूठ बोलने के बाद मैं शर्मिंदा होती हूँ। मेरे ड्रीम रोल सना बलोच है। ओके, जवाब देना ना। ठीक है, किसी का दिल जीतने के लिए मैं उसे गिफ्ट देती हूँ। Cause I am living in a material world and I am a material. ठीक है। जब भी कोई लड़का देखती हूँ तो कुछ नहीं होता। मेरे दिल में अभी क्यों? मेरे दिल में अभी धड़कन तेज है। हाँ ठीक है। एक दिन मैं ऑनलाइन बैठी हुई थी तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि मैं ओवर एक्टर हूँ। अच्छा ओबी, आर यू रेडी? आपके पास जल्दी से पूछे जाएंगे, आपने फौरन जवाब देना है। मेक इट इंटरेस्टिंग प्लीज, because competition tough है। बारिश के मौसम में मैं नाचता हूँ। बारिश में घर से निकलते ही मैं कुछ दूर चलते ही मैं रास्ते में उसके घर जाता हूँ। शादी के बाद लोग फिल्म लिरिक्स जी। शादी के बाद लोग
मुझसे मिलना छोड़ देंगे. मेरे गोल स्टार्स की आदत है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फियां लें. किसी और की कामयाबी से मैं मुझे बहुत खुशी होती है. तस्वीर खिंचाते वक्त मैं हमेशा बहुत ऑकवर्ड पोज करता हूँ. मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं डटा रहता हूँ. और एक दिन मैं ऑनलाइन बैठा हुआ था तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने भी अपने बारे में बड़ी बातें सुनी. अच्छा. और बहुत हंसी भी आई, बहुत रोना भी आया. रोना भी आया. और मैं तो रिस्पॉन्ड करता हूँ लोगों को. अच्छा. स्पेशली जो मुझे नेगेटिव चीजें लिखते हैं. हाँ. क्योंकि मुझे होता है कि इफ यू नो इफ यू आर बीइंग अ स्मार्ट एस सो कैन आई. हाँ. एंड यू आर एंड आई. आप दोनों के पास कुछ सवाल है. ये इसी राउंड का है. आप दोनों अभी इस वक्त टाइप है बिकॉज आपके दोनों का एक जो जवाब था ना, वन ऑफ द मेनी, वो जरा हल्का था. एक तेरा भी हल्का था, जानता है वो भी. एंड माया आपका भी जरा हल्का था. तो राइट नाउ इट्स अ टाई. सो what we're going to do is this. Maya, जी? You go first and aap poochein and let's see how much he knows about you. Go. Main kitni languages janti hoon? Please Obi. Kitni languages janti hoon? Haan. Teen? Achha. Do. Aap jeet rahi hain ye. Achha. Agar humko nahin aata to okay, aap to perfect. Wo. Okay, perfect. Very nice. Achha. Aap jeet. Nahin. English, Urdu, Punjabi. You know three. You don't know Punjabi, Maya? Not exactly. Like Punjabi, Punjabi, क्योंकि मेरे माँ बाप उर्दू में बात करते हैं तो yes. पर मैंने तो मैं अच्छा चलो ठीक है. All right. झूठ बोले? Seated. कब काटे? No, दो. Okay, दो. Okay, तो one off. Second, काम से छुट्टी मिलते ही मैं सबसे पहली चीज क्या करती हूँ? या तो खाना खाती है या तस्वीर लेती है. Perfect. Very good. नींद पूरी करती है. ओबी. ओ अच्छा. Okay. अभी तुम सोच नहीं रहे यार, लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से ये कंपटीशन जाता है. मुझे भी लग रहा है. नहीं नहीं. नेक्स्ट जी. मेरा तकिया का नाम क्या है? तकिया कलाम? हाँ, मेरा माया. नहीं, तकिया कलाम. मैं ज्यादा क्या लव्स बोलती हूँ? एक वर्ड वर्ड जो कहती हूँ. ओ यार. यार ये तो ओबी. तुम क्या कहती हो? मुझे दुख भी हो रहा है कि इसको नहीं पता. तुम क्या कहती हो सबसे ज्यादा? अच्छा, मुझे बात सुनो. मुझे लग रहा है कि ये दोस्ती जो इतनी सच्ची कोई दोस्ती है ना, मैंने आपको कहा था ना ऑफ द रिकॉर्ड. मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग है. मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये सच्ची दोस्ती नहीं है तो ये ओवर एक्टिंग ही बहुत अच्छी एक्टिंग है. मैं मानने के लिए तैयार था ये दोस्ती. क्या कहती हो तुम? एग्जैक्टली. नेक्स्ट सवाल. अगर मैं एक इंसान से फोन पे अनलिमिटेड बात कर सकती तो वो कौन होगा? यहाँ ये फंसेगा. ओके चलो बताओ. चलो तुम बताओ. नौशा. एक और कैसे दें? एक और हिंट दे दो. हमारी बेस्ट फ्रेंड. मेरा ख्याल था नौशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है. शी इज माय भाभी. ओके चलो. अच्छा, ये जो नौशा तो अगर आप देख रही हैं तो दिस शुड बी वेरी लाइक ये जरा सी एंबैरेसिंग होना चाहिए. सॉरी. एग्जैक्टली. शी इज माय भाभी. द बेस्ट फ्रेंड अपेरेंटली इज आयशा. यस. नो आईडिया. डिड नॉट नो अबाउट आयशा एट ऑल. अच्छा चलें जी. लास्ट थिंग जी. What comes to my mind while thinking of playa? ये जब क्या अपने pleasure के बारे में सोचती हैं तो उनके दिमाग में क्या बातें चलती हैं? ये तो कभी. I don't know. Shopping. Mall. ये कहाँ होते हैं? किस तरह होते हैं? क्या होता है? Hint दे रहा हूँ. हाँ मतलब like मैं, you know like मैं क्या plans कर रही होती हूँ mostly? Like traveling abroad. Thank God. Thank God. Although mall is, मैंने जितने भी जवाब दिए except for the Aisha one because मुझे exactly नहीं पता था. I thought that. क्योंकि मेरे फोन पे best saver. हाँ best saver. तो क्या glam उसने कहा कि यार वैसे तुम यार बहुत ज़्यादा कहती हो. Exactly ज़्यादा कहती हो मैं. प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है? हाँ जी. जीरो. मेरे फोन नहीं. आपको नहीं पता? नहीं 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 पता कि आपके दोस्त की कंपनी का नाम जो मैंने खुद फाउंड की थी जब मैं 21 साल का था. बाय द वे, इफ द ऑडियंसेस आर लिसनिंग, अगर आप तो सुन रहे हैं तो उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है जो उन्होंने शुरू की थी. मेरे फोन नंबर के आखिरी चार डिजिट बता तो दो उनको. ओ लिविंग पिक्चर प्रोडक्शंस. इट्स लिविंग पिक्चर प्रोडक्शंस. वो तो ठीक है, मैं तुम्हारे नंबर याद कर रही हूं फोन के. हां जी बताओ. मेरे फोन नंबर के आखिरी, ये मेरे पास क्यों नहीं आया यार? आखिरी चार डिजिट्स क्या हैं जी? मैं शर्त लगा सकता हूं इसको नहीं पता जी. लगा लें आप जी. जी जी. ये तो बड़ी गलत बात है यार. तुमने सामने किया था? मैंने नहीं पढ़ा भाई. नहीं पढ़ा. क्या है फिर? हाँ फिर क्या है? इट्स 444 आते तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं. जीरो. मेरी घड़ी में इस वक्त कितने बज रहे हैं? 5:30 बज रहे होंगे. नहीं 5:15. गलत. करीब करीब है. करीब करीब था ये. दे सकते हैं अगर तुम देना चाहो.
अच्छा इसके बारे में सोच लो वापस अगला सवाल नहीं दिया ना मैंने सिर्फ एक आया द ट्रैवलिंग अब्रॉड वन सोशल मीडिया पे मेरा सबसे ऑकवर्ड मोमेंट सोशल मीडिया पे हाँ सोशल मीडिया पे मैं कैसा हूँ सोशल मीडिया पे और मेरा सबसे ऑकवर्ड मोमेंट क्या होगा अभी वैसे इसका तुमने इसका जब जवाब दिया अभी एम्पायर लाइक तुम तुम्हें वो लोग कहते हैं एम्पायर चलो आई विल काउंट करने के लिए क्या ठीक है 10 10 10 10 10 1 or 2 अच्छा नेक्स्ट व्हाट डू आई डू व्हेन आई वांट टू रिलैक्स मैं जब प्लेजर के बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ तुम तो नींद पूरी करते हो अपनी और इतना सोते हो तुम तौबा इस्तगफार के तुम दरवाजों के पीटता रहे 6 घंटे तुम खोलते नहीं हो और हाँ कुछ और तुम मसाज करवाते हो नहीं आई रीड माया आई रीड नो मैं पढ़ता हूँ नो नो सोता है और इतना सोता है शेरू इतना सोता है कि एक दफा मैं सुबह शूट पे जाने से पहले हम एक ही गेस्ट हाउस में और मैं दरवाजा पीट रही हूँ लिटरली एक इंसान नहीं उठा मुझे लगा चलो नींद पूरी कर रहा है मैं शूट 8 घंटे की करके वापस आ गई मैं फिर दरवाजा पीट रही हूँ और ये पूरे शूट पे था कि ये सबको पता है कि बहुत सोता है और बहुत सोता है और बहुत सोता है भैया बताओ क्या करना है तुमने ये पॉइंट दोगे या नहीं दोगे बिकॉज़ इस वक्त तुम दोनों का टाई है 1-1 अगर ये इन्होंने ले लिया तो ये जीत जाएंगे अगर नहीं दिया तो हम टाई ब्रेकर खेलेंगे क्योंकि मैंने दयारे दिल में इनको नहीं देखा बुक्स पढ़ते हुए नहीं देखा कमरे में होती थी कमरे में होती थी और कमरे में क्या करते थे ये इनसे ये भी चलो दे दिया कांग्रेचुलेशंस माया अली यू आर द विनर ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस 50,000 रुपी गिफ्ट वाउचर तालियां ओह माय गॉड कोई बात नहीं हम शेयर करेंगे कोई बात नहीं वाकई लेडीज एंड जो आपके जो सवाल जो हैं जो आपने हमसे पूछे इनके लिए वी विल आस्क दोस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कीप वाचिंग दिस इज डीजूस प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY Welcome back after the break. बात हो रही है with Obi and Maya Ali. यार ये one thing that I want to ask. जो हर बंदा देखता है टीवी पे आप लोग जो बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग अंडर एक्टिंग दिस दैट द अदर लोगों को ये नहीं पता कि मेहनत कितनी जाती है टू मेक अ प्ले एक जो अभी आप लोगों ने जो अभी एक नया प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट शूट करने के लिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ खुद पूछना चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए कितने दिन लगते हैं बहुत दिन कितने दिन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट आई मीन दयारे दिल फॉर एग्जांपल वेंट ऑफ एंड ऑन फॉर 8 months और 8 months में एक दिन कितना लंबा होता है आप लोगों का 14 से 16 से 24 18 hours तुम्हें याद है तुम्हें स्कर्ट में कितना लाइक हाँ जी जिस तरह फॉर एग्जांपल ईद चांद रात थी हम लोगों ने सारी चांद रात फ्रॉम इवनिंग टिल 6:30 इन द मॉर्निंग ऑफ ईद डे कुछ लोग तो ग्रीन टी पीते हैं पर किस तरह अपने आप को फिट रखते हो जिम का तो टाइम नहीं है मैंने अभी यहाँ पर एक जिम के लिए एडमिशन दिया लेकिन उसके बाद मुझे बुला रहे मीटिंग के लिए मैं नहीं जा रही तो मुझे पता चल गया नहीं हो सकता खाना मुझे बहुत पसंद है लेकिन खाना नहीं सकती यही शायद रीजन है खाती नहीं हो नहीं खा सकती क्योंकि मुझे फौरन से पहले इधर आ जाता है और एक आवाज आती है डायरेक्टर की माया तुम थोड़ी मोटी लग रही हो अच्छा जाती है इस तरह की आवाज डायरेक्टर्स कह देते हैं और माशाल्लाह से मेरे जो हीरो हैं इनका तो है नहीं इनके फेस कट्स प्रोमिनेंट होते हैं तो जैसे आते हैं ना सीन में तो ऐसे होता है एक तरफ फुटबॉल बैठा हुआ है एक तरफ टेनिस बॉल फुटबॉल अगर ऐसा हो तो देन एवरीवन शुड बी एवरीबॉडी वुड प्ले द स्पोर्ट स्क्रीन लोगों पे तो ज्यादा प्ले द स्पोर्ट इज व्हाट आई वाज नॉट गोइंग टू से पॉलिटिकली इनकरेक्ट डीजूस कनेक्ट हमारा एक राउंड है हम लोग पूछना चाहते हैं आपसे सवाल जो मैं ऑब्वियसली पूछना चाहता हूँ मगर हमारे ऑब्वियसली व्यूअर्स जो हैं वो भी सवाल पूछना चाहते हैं तो माया आपसे हारिस पूछते हैं कि आप हर ड्रामे में इतना क्यों रोती हैं देखा
एक्चुअली इनको लगता है प्रोडक्शन हाउसेस को राइटर्स को कि जो रोती धोती एक लड़की है उससे ज्यादा रेटिंग आती है. अच्छा. तो जैसे ही आंसू निकलेंगे ओह बहुत दर्द हुआ बहुत रेटिंग आ रही, जबकि गलत है. ऑन जारा में ऐसा कुछ भी नहीं था. तो हमारे राइटर्स में रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं रोने धोने के बगैर. अच्छा यार तो ठीक है, रोना धोना यू शुडंट क्राई. आई थिंक मैं भी, मेरा भी यही ख्याल है. मेरे ख्याल से कि हमारे ड्रामा में कुछ ज्यादा रोना धोना होता है. आई थिंक रोना धोना जरा कम होना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन. वो भी आपके लिए कहते हैं कि क्या इसका आंसर मेरे पता है, मगर मुझे फिर भी पूछना पड़ेगा कि हमारे पास ये 8,000 कुछ सवाल आए हैं. क्या माया अली आपकी फियांसे हैं या नहीं है? चलो बता दो आप प्लीज आज बता, हम बता देते हैं. नहीं जी, माया अली मेरी फियांसे नहीं है, हमारी शादी भी नहीं हुई भी, हमारे दो बच्चे भी नहीं है. जो उसने पूछा वही बताओ. मैंने कहा यू नो अगर कोई इन केस कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हो, वो ये ना कहना ओ फियांसे नहीं थी और शादी हुई है और ट्वाइस डिवोर्स्ड. But no. Guys, thank you so much for being here. Main aapko sabse pehle, I want to say thank you. You guys look great, you sound great, but more than that, itte talented ho. You guys took out the time to come to our show, logon se baatein ki, logon ko apna ek naya roop, asal roop dikhane ke mein mauka mila. Aur most importantly, mujhe aapko janne ka mauka mila. So thank you so much. Aapke aage do tasveerein. We would love for you to sign this and to hang it on our wall of superstars so we can remember you. Sure. Wall of superstars. वापस आओगे ये बस बताओ. हाँ जी, वापस आओगे. Fantastic. Ladies and gentlemen, this was the incredible Maya Ali and Obi. I hope you enjoyed this episode as much as I enjoyed having these guys here. I look forward to seeing you next week. This is djuice presents tonight with HSY. Good night.